आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, प्रश्न में हमसे पूछा गया, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो कथन जो दिया गया है, मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है अथवा नहीं, यही सत्य बताना है। सत्य अथवा असत्य बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। उत्तर इसका है, ये जो कथन है, मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नहीं करता है। मतलब ये कथन जो है वो असत्य है, असत्य है। तो प्रश्न यह है कि मोटर फिर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मोटर सिद्धांत करता है, मोटर जिस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम है, तो मोटर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत का नाम है धारावाही तार का चुंबकीय प्रभाव। आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि काम कैसे करता है। उसमें आइए हम एक आरेख बना लेते हैं। तो हमने मोटा मोटी एक आरेख बना लिया। मान लीजिए हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है हमारे चुंबक का। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण में। और ये एक आयताकार हमने एक कुंडली ले रखी है। तो अब देखिए, और इसमें धारा हमने बाहरी एक्सेल से प्रवाहित की, एक्सेल के जोड़ देने से इसमें धारा प्रवाहित हुई। तो इसमें धारा कुछ इस तरह से, तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? देखिए, इस छोर, इस वाले तार में, मान लीजिए इसको ए बी सी डी से दिखाएं, ए बी और ये सी है और डी है। तो ए बी पर जो बल लगेगा वो, जैसे कि हमारा कौन सा नियम यहाँ पर लग जाएगा? तो यहाँ पर जो नियम लगेगा जिससे कि हम बल को निकालेंगे वो है लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम। इससे हमें बल का दिशा पता चल जाएगा। तो जैसे कि इस पर अगर हम बल निकाले, इस पर अगर हम नियम लगाएंगे, तो इस पर बल जो लगेगा वो अंदर की ओर, जैसे क्रॉस लिखते हैं, नीचे की ओर लगेगा, और इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा। दोनों पर विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ये एक बल आघूर्ण, इस अगर इसको हम मान ले एक अक्ष मान ले, तो इसके इसके अबाउट जो है एक बल आघूर्ण लग रहा है, जिसकी वजह से ये घूर्णन करने लगेगी। और हमारा मोटर इसी सिद्धांत पर काम करता है कि अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही तार को रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है, और इसी बल की वजह से इसमें बलाघूर्ण हो गया और ये घूर्णन करने लगी। और ये डायरेक्ट नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता, ये कार्बन ब्रश की सहायता से यहाँ जुड़ा होता है, ताकि जब ये घूर्णन करे तो ये एंटे नहीं तार। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।